नमस्कार, मैं विनोद कुमार सिंह, हिंदी टीचर। आज आपको पढ़ाएंगे संधि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल अथवा समझौता। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल अथवा समझौता। जब दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, तब उनमें दो निकटवर्ती वर्णों को वर्णों के परस्पर मेल से के कारण कुछ परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है, उन्हें संधि कहते हैं। हमने बताया संधि किसे कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल अथवा समझौता। जब दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, तब उनमें दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उन्हें संधि कहते हैं। क्लियर। इस प्रकार से संधि की परिभाषा हो गई, निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब प्रश्न बनता है हमारा जो है, संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते? तो संधि के तीन भेद हैं। पहला है स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आप हमको बताएंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। देखिए, स्वर संधि जिसको वावेल ज्वाइंट्स बोलते हैं, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यह परिवर्तन कई प्रकार का होता है, इस दृष्टि से स्वर संधि के विविध रूप माने जाते हैं या माने गए हैं। अब हम देखेंगे जो है काइंड्स ऑफ वावेल ज्वाइंट्स, स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के निम्नलिखित पांच भेद होते हैं। पहला है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयाद संधि। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के पांच भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि। अब हम देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई तथा उ अपने जैसे ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं, तो उसी वर्ग का दीर्घ स्वर हो जाता है। हमने जब बताया आपको जो है दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई तथा उ जैसे ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं, तो स्वर मतलब उसी वर्ग का दीर्घ स्वर हो जाता है। एक परिवार के लोगों को मिलाकर कोई बड़ा काम करा लीजिए, एक परिवार के दो छोटे लोगों को मिलाकर के बड़ा कर लो, तरीका समझ में आया आपको। एक परिवार के दो छोटे लोगों को मिलाइए, यही तो मैं बोल रहा हूं जो है, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई तथा उ अपने जैसे ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं अर्थात उसी परिवार के, तो दीर्घ स्वर हो जाता है। क्लियर। जैसे अ धन अ बराबर आ, आ धन अ बराबर आ, अ धन आ बराबर आ, आ धन आ बराबर आ, ये एक परिवार है, ये हमारा एक परिवार है। जिसके इसमें देखिए जो है, जैसे दिया है चरणामृत, तो हमने बताया था दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, इसको अलग अलग तोड़िए, चरण प्लस अमृत, तो औड़ा में अ है और शुरू में अमृत का अ, तो अ धन अ मिलके हमारा क्या हो गया आ। ऐसे है हमारा पराधीन, तो पर धन अधीन, आ धन अ बराबर आ।
ऐसे हमारा सेवार्थ, सेवा धन अर्थ, आ धन अ बराबर आ, ऐसे है हमारा हिमालय, हिम धन आलय, अ धन आ बराबर आ। एक परिवार के दो लोगों को मिलाना है आपको, एक परिवार के दो छोटे छोटे या एक छोटा एक बड़ा या दोनों बड़े, मतलब एक परिवार का होगा। ऐसे है आपका ई धन ई बराबर बड़ी ई, ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, ई धन छोटी ई बराबर ई, बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर ई। जैसे इसका उदाहरण देखिए, कविंद्र है, मुनिंद्र है, मुनीस है, गिरीश है, महेंद्र है, नारेंद्र है, सतीश है, महेश है। इसको बच्चों जब तोड़ेंगे हम जो है, तो ये होगा जो है कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। तो शुरू में मैंने दिखाया इसमें जो है छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। मुनिंद्र देखिए, इसको तोड़िए, मुनि प्लस इंद्र, छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटी ई प्लस क्या बड़ी ई बराबर बड़ी ई। ऐसे आप इसको तोड़िए, महिंद्र, महिधन इंद्र, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। ऐसे है हमारा ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। जैसे उदाहरण है लघुत्तर भानुदय, लघुर्मी साधुर्जा, वधुत्तम भुस्मा। इसको देखेंगे जो है ऊ के साथ ऊ जोड़िए, ऊ के साथ बड़ा ऊ जोड़िए तो बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ जोड़िए बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ जोड़िए क्या बनेगा बड़ा ऊ बनेगा। तो एक समान परिवार के लोगों को जोड़ करके कोई बड़ा चीज बनाना है आपको जो है, तो ये होता है हमारा दीर्घ स्वंत। कोई डाउट?